पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से कोटी शहर जिला जामशोरों में सस्ता सहूलत बाजार लगाया गया। सहूलत बाजार में तमाम अशिया कम मार्केट रेट से कम कीमत पर और खुसूसी डिस्काउंट के साथ फरोख्त की गयी, जहाँ से हजारों खानदानों ने इस्तेफादा हासिल किया। इस मौके पर शहर की मौजूद शख्सियात व आवाम ने पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सहूलत बाजारों को खूब सराहा। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सिंध के सदर अकील अहमद लगारी, सीनियर नायब सदर शहबाज अब्दुल जब्बार, जिला जामशोरों के सदर अब्दुल तवाब शेख, अब्दुल कयूम, अब्दुल सलाम, अब्दुल वकील, अशफाक खोसो, फैजुल्ला दिल शेर, जिशान उमर, फारूक खानजादा, मोहम्मद खालिद सैफ के हमरा कोटी सहूलत बाजार का खुसूसी दौरा किया और आवाम की खिदमत में मसरूफ जिम्मेदारान व कारकुनान को खूब दाद दी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिंध के सदर अकील अहमद लगारी, नायब सदर शहबाज अब्दुल जब्बार, मरकजी तर्जुमान खालिद सैफ, अब्दुल तवाब का कहना था कि मुल्क में आए रोज बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी से लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुके हैं। हर तबका जिंदगी की आवाम का खून चूसा जा रहा है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर आवाम को इज्तमाही खुदकुशी पर मजबूर कर दिया गया है। शहबाज अब्दुल जब्बार का मजीद कहना था कि निगरा हुकूमत आपस के इजलास मुनक्किद करने के बजाय सड़कों पर निकलकर आवाम के मसाइल देखे। दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद सैफ उमर फारूक खानजादा ने कहा कि महंगाई का सुनामी आवाम को डुबो रहा है। नायल हुक्मरानों की गैर मुतवाजन पॉलिसियों ने गंदुम और आटे के खुद कफील पाकिस्तान को फकीर बना दिया। बिजली, गैस, आटा, गंदुम, चीनी, अद्वियात की कीमतों में जानलेवा टैक्स और महंगाई ने गरीब आवाम को जिंदा दरगोर कर दिया है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के आवामी सहूलत प्रोग्रामों का दायराकार मजीद वसी कर रहे हैं। टाउन सतह पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जिम्मेदारान ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान की सियासी व हुक्मरान जमातें आपस की लड़ाइयों को कस्से पुश डालकर आवाम को सहूलत फराम करने के लिए मुफाहमत का रास्ता अख्तियार करें। अगर आज हुक्मरानों और सियासतदानों ने आवाम को महंगाई की दलदल से निकालने में अपना किरदार अदा न किया तो आवाम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। आवाम ने पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के इस इकदाम को खूब सराहा और दीगर जमातों के लिए आइडियल करार दिया। आज हम मौजूद हैं जी जिला जामशोरों के अंदर और आज अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से यहाँ पर अवामी सहूलत बाजार का इनेकाद किया गया है और इस बाज़ार का जो बुनियादी मकसद है इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालिया महंगाई की लहर ने आवाम की कमर तोड़ दी है और महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इस परेशान आवाम को कोई ना कोई रिलीफ देने के लिए तो आज अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ज़िला जामशोरों की तरफ से यह एहतमाम किया गया है कि यहाँ पर हम अवामी सहूलत बाज़ार लगाएँ। और आप देख रहे हैं कि बाज़ार में माशाल्लाह ताला लोगों का रश भी बहुत ज़्यादा है और मार्केट के रेट से यहाँ पर कम कीमत पर लोगों को अशिया जो है फराम की जा रही हैं। हमारी जो सियासत है खिदमत इंसानियत है और ये खिदमत इंसानियत का सफ़र लेकर अल्लाह के फजल करम से हम पूरे मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से काम किया जा रहा है। कहीं पर अवामी सहूलत बाज़ार, कहीं पर तंदूर, कहीं पर सब्ज़ी स्टॉल, मुख्तलिफ़ चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के लिए हम लेकर आ रहे हैं। तो इस वक्त हम जामशोरों के अंदर मौजूद हैं। हमारा अगला प्लान ये है कि हम इंशाल्लाह ताला सिंध के हर ज़िले के अंदर, हर तहसील के अंदर इस तरह के बाजार पहले भी लग चुके हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला लगाकर आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह ताला रिलीफ देंगे। तो मैं हुक्मरानों से भी मुतालबा करता हूँ कि इस महंगाई के दौर में आपने देखा कि कल किस तरीके से पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये का इजाफा किया गया है। आवाम ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती और ये एक मुआशी कत्लेआम है, इसको रोकना चाहिए और इसके साथ आवाम को रिलीफ देने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ का भी ख्याल करना चाहिए। तो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ये अहद करती है कि ये खिदमत इंसानियत का सफ़र है, ये चलता रहेगा। इंशाल्लाह ताला आवाम के हुकूक़ के लिए आवाज़ भी उठाएंगे और अमली तौर पर इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई चीज़ या कोई ना कोई कदम उठाकर उनको रिलीफ फ्राहम करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग तो इसी नारे के साथ मैदान अमल में आई है कि हमारी सियासत खिदमत इंसानियत, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी के तहत हम इस कमर तोड़ महंगाई में मुख्तलिफ जगहों पर हम इसी तरह के बाज़ार, डिस्काउंट बाज़ार, सहूलत बाज़ार, लोगों को बाज़ार से कीमत में, कम कीमत में राशन देकर और उनको रिलीफ देकर हम इंशाल्लाह इसका इस तरह के इकदाम उठा रहे हैं। हमने इससे पहले भी मुख्तलिफ जगहों पर लतीफ़ाबाद में, इसी तरह हैदराबाद के हाली रोड पर हमने इस तरह के डिस्काउंट बाज़ार लगाए हैं और इसके ज़रिए हमारी कोशिश ये है कि हम सिर्फ महंगाई के ऊपर सिर्फ एहतजाज ना करते रहें और सिर्फ जो है हम धरने देना और इस तरह के मामलात करना हम सिर्फ इसी पर ना रहें बल्कि आवाम को अमली तौर पर कोई सहूलत मुहैया पहुँचाई जा सके। इस सहूलत के तहत, इस सोच के तहत अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जामशोरों बिहार कॉलोनी में ये बाज़ार लगाया है ताकि यहाँ कर जो गरीब आवाम है वो बाज़ार से भी, होलसेल रेट से भी कम, यानी कंपनी रेट पर हम इंशाल्लाह यहाँ पर उनको चीज़ें मुहैया कर रहे हैं। रोज़मर्रा की अशिया की तमाम चीज़ें, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं और हम इंशाल्लाह इस पर अच्छा खासा डिस्काउंट बाज़ार से दे रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से बहुत छोटी सी कोशिश है
उस बहुत बड़े जिन को काबू करने के लिए जो मुसलसल दिन ब दिन महंगाई की सूरत में बढ़ता चला जा रहा है। आप सुनते होंगे कि पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा हुआ और 331 रुपए की कीमत पेट्रोल की हो गई है। आवाम ये फैसला करने पर मजबूर है कि हम अपना पेट भरें या अपनी गाड़ियों का पेट भरें। ऐसी सूरत हाल के अंदर और इस मुश्किल हालात के अंदर हम मुजाहरे के लिए निकल जाएं, हम एहतजाज के लिए निकल जाएं, ये सारे काम भी ठीक हैं, लेकिन इससे आवाम का पेट भरने वाला नहीं है, आवाम की ज़रूरतें पूरी होने वाली नहीं है। आवाम का पेट भरने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने ये सस्ते बाजारों की तरतीब का इनेकाद किया है। पिछले इतवार 100 से ज़ायद सस्ते सब्जी बाजार और ये एक सहूलत बाजार लगाया गया था। यह हफ्तावार तरतीब के साथ हम ये हर इलाके के अंदर सस्ता सहूलत बाजार लगाते हैं। आप स्टॉल पर जाके मालूम कर सकते हैं कि हर चीज़ आपको बहुत ही डिस्काउंट के साथ और सब्सिडी रेट के अंदर यहाँ पर आवाम के लिए मुयस्सर है। हमारी कोशिश यही है कि पाकिस्तानी को मजबूत किया जाए, पाकिस्तान मजबूत होता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैरा। इस वक्त हम यहाँ पर कोटड़ी में मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से सहूलत बाज़ार में मौजूद हैं। मरकज़ी मुस्लिम लीग जब ये महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका था, उस वक़्त मरकज़ी मुस्लिम लीग ने मुख्तलिफ़ अवाम को पैकेजेस दिए और इसमें सस्ता सहूलत बाज़ार, सस्ता सब्ज़ी बाज़ार और उसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पर एहतजाज भी किया, आवाज़ भी बुलंद की। और मुसलसल हुकूमत ये कर रही है कि अवाम पर महंगाई का बोझ दिन ब दिन बढ़ाती जा रही है। अवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। आम लोगों का किचन बंद हो चुका है। आम लोगों जो अशियाए खुर्दनोश है वो लेने के वजह से परेशान है। मगर आज हुकूमतों ने दोबारा रात को 12 बजे सोते हुए अवाम पर पेट्रोल का बम गिरा दिया और अवाम के ऊपर 26,000 से ज़ायद पैसों का पेट्रोल महंगा कर दिया। मगर अवाम की इस महंगाई में हालत बेबस हो चुकी है, खुदकुशियां हो रही हैं, लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं और लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं। अवाम के लिए कोई सहूलत का काम किया जाए। हुक्मरानों को चाहिए ये महंगाई का जिन को काबू करे और हुक्मरानों को ये भी चाहिए जो हुक्मरान अय्याशी करके IMF के टैक्स लेकर, उनके पैसे लेकर, उनके पैकेज लेकर अय्याशियों में मरे हुए हैं और अय्याशियों में बेहोश हैं, मदहोश हैं, और इनको चाहिए कि यहाँ पर हुकूमत के इन हुक्मरानों को चाहिए कि उनको गिरफ़्तार करके तख्तेदार पर लटकाया जाए ताकि अवाम को ये तकलीफ़ जो आज आ रही है ये इन्हीं हुक्मरानों की अय्याशियों की वजह से आ रही है। और अवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस चुकी है और इस महंगाई को ख़त्म किया जाए और इसके खिलाफ भरपूर आवाज़ बुलंद की जाए और ये दिन ब दिन पेट्रोल के इजाफे बंद किए जाएँ, ये कीमतें वापस ली जाएँ, वरना अवाम भरपूर एहतजाज करेगी और तिगनी का नाच नचाएगी इन हुक्मरानों को जो इस तरह के अवाम पर बोझ डालते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला जामशोरों की जानिब से ये अवामी सहूलत बाजार लगाया गया, जिसके अंदर मेरी जो पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह उसने भरपूर हमारा यानी ताउन किया, हमारा साथ देकर इस बाज़ार को कामयाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह जब लोगों के पास गए जाकर उनसे इंटरव्यू वगैरह किया, उनसे पूछा जी कैसा पाया आपने आज के बाज़ार को, तो उनका जो यानी व्यू थे, उनका जो कहना था, दिल खुश हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये तहिया किया कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला जामशोरों की जानिब से ये इस तरह के हम अवामी सहूलत बाज़ार हर तहसील के अंदर लगाएँगे इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे कि हर महीने इसकी कोई तरतीब बनाई जाए। तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी टीम का और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जो ये सारे हमारे कारकुनान हैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने इस महंगाई के दौर में, हालांकि ये जो काम है ये सारे काम ये हुकूमत के काम है, ठीक है, लेकिन हुकूमत आज के इस दौर के अंदर सोई हुई है तो ये पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जो एक सियासी पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह इस मैदान के अंदर आई और मैदान के अंदर आकर ये इस तरह के नेकी के काम, आवाम की सहूलत के लिए जो ये काम इंशाल्लाह ये मज़ीद भी करेंगी। अभी पिछले दिनों हमने हाल ही में कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर, यानी कराची से लेकर सखर तक मुख्तलिफ मुकामात पर तकरीबन सैकड़ों की तादाद में हमने ये बचत बाज़ार भी लगाए और साथ में सब्ज़ी बाज़ार लगाए। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ये हर ज़िले के अंदर, हर तहसील के अंदर इसी तरह के इंशाल्लाह अवामी सहूलत बाज़ार लगाएगी ताकि अवाम को सहूलत दी जाए। पहले तो हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान मरकज मुस्लिम के जो जिन्होंने ये जो सस्ता बाज़ार लगाया है, ऐसे बाज़ार तो हुकूमत को लगाने चाहिए मगर हुकूमत जो है नाहले रोज़मराज जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफे कर रही है, जिसकी बात जो है महंगाई बढ़ती जा रही है और गरीब आवाम जो है खुदकुशी करने पर मजबूर है। हम इन्हें से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये कैंप जो है हर हफ्ते नहीं तो हर माह
कम से कम लगने चाहिए जिसपे जो गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। सस्ती मिली 10 रुपया 5 रुपया कमी है, बहुत अच्छा पाया। तो चाहते कि हर हफ्ते लगाओ तुम लोग। महंगाई का तो यही कहूँगी कि रोज़ पर रोज़ बढ़ रहा है, आवाम के लिए महंगाई कम करें।